हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो मलून राजा सिंह जो गुस्ताखी करा उसके खिलाफ शहर हैदराबाद के नौजवान उठ खड़े हैं और आगे भी हम रुकेंगे नहीं। राजा सिंह को जब तक फांसी नहीं होती जब तक हम इसको जारी रखेंगे प्रोटेस्ट को। कानून एक्शन नहीं ले रहा, इसीलिए नहीं ले रहा क्योंकि ऊपर से दबाव है उनको, बीजेपी से सपोर्ट मिल रहा है लोगों को, इसीलिए कोई आ रहा नहीं। और एक घंटे में कोर्ट कैसा छोड़ता उसको, क्यों बेल मिलती, कैसा मिलती बेल उसको, बताइए मेरे को। राजा सिंह को अरेस्ट करो, या तो फांसी या तो फिर हमारे हवाले कर दो बस। सरदार से जुदा, सरदार से जुदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो वीडियो आपने देखा वो शहर हैदराबाद की है, वहां पर लोग एहतजाज कर रहे हैं और फिर एक मरतबा वही नारा लगाया जा रहा है, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। नुपुर शर्मा के वक्त में भी इसी तरीके का मामला हुआ, उसके बाद का जो रिजल्ट है वो आप सभी जानते हैं कि नुपुर शर्मा को तो कोई सजा नहीं मिली, बस उसे सस्पेंड कर दिया गया। ठीक उसी तरीके से बीजेपी का एमएलए राजा सिंह ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जो कि मैंने कल आप लोगों को बताया था वीडियो के जरिए, और मैंने कल ये भी बताया था कि वो अरेस्ट हो गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अरेस्ट होने के कुछ ही देर के बाद फिर उसे बेल भी मिल गई। हालांकि बात यह हुई थी कि 10 से 15 दिन ये रहेगा थाने में और इसके बारे में जांच पड़ताल की जाएगी और फिर सरकार इसके ऊपर कोई एक सजा लागू करेगी, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हुआ, बल्कि वो जाते एक या दो घंटे के बाद ही बेल उसको मिल गई। तो शहर हैदराबाद में एहतजाज कर रहे हैं, इसके अलावा और भी दीगर जगह पर एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन मैं आप सभी से बस एक यही गुजारिश कर रहा हूं कि इस वक्त अगर आप YouTube में देखेंगे तो राजा सिंह की जो वीडियो थी उसको भी डिलीट कर दिया गया है। कल मुझे लगा था कि शायद ये जो बयान है ये विवादित बयान है, इसके अलावा इससे ज्यादा हंगामा हो जाएगा, इसलिए जो मीडिया चैनल है उन लोगों ने भी इनकार कर दिया दिखाने के लिए और यूट्यूब ने उसकी वीडियो भी डिलीट कर दी। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि किसी भी चैनल में आप देखें तो राजा सिंह के उस बयान को तो खैर नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन जो मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं और जो बातें वो कह रहे हैं जोश में उस चीज को दिखाया जा रहा है। तो फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी वजह से आप भी मुसीबत में पड़ जाए और आपके घर वाले भी मुसीबत में पड़ जाए, क्योंकि नुपुर शर्मा ने जब जिस वक्त गुस्ताखी की थी उसके बाद किस तरीके से नाराबाजी और एहतजाज और सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, उसके बाद लोगों का क्या हाल हुआ, एक एक करके लोग जेल गए, एक एक करके लोगों को सजा मिली। जिसने गुस्ताखी की, जिसको सजा मिलनी चाहिए उससे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिन लोगों ने एहतजाज किया और नारेबाजी की और उसे बताया गया कि माहौल खराब कर रहा है और उसे अंदर कर दिया गया, ठीक उसी तरीके से आज भी बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो जोश में आकर के सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, इस तरीके के नारा लगा रहे हैं। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि जल्दबाजी में और जोश में इस तरीके के कदम आप ना बढ़ाएं। अल्लाह तबारक व तआला बेहतर बदला लेने वाला है। हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि अमन और सुकून के साथ काम लें और बिल्कुल अकल के साथ, दिमाग के साथ काम लें। एहतजाज करें, शांति में करें, लेकिन इस तरीके के नाराबाजी ना करें, वरना फिर आपकी वजह से आपकी फैमिली भी परेशानी में पड़ जाएगी। वो भी करें, अमन सुकून के साथ करें, कानून के दायरे में रहकर करें, कानून से बाहर ना जाएं। बाकी इस वक्त तो राजा सिंह को बेल मिल गई है, आगे क्या होता है, सरकार क्या करती है, हम लोगों को सरकार के ऊपर उम्मीद लगाए रखना चाहिए और मांग करते रहना चाहिए, क्योंकि जब नुपुर शर्मा को कोई सजा नहीं मिली तो राजा सिंह खड़ा हो गया। अगर अभी राजा सिंह को भी अगर सजा नहीं मिलती तो फिर इसकी जगह कोई और इसके बाद खड़ा हो जाएगा, इसी तरीके से गुस्ताखी करता रहेगा। तो हमारी भी मांग है सरकार से कि सरकार को चाहिए कि कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में कोई इस तरीके से जुर्रत, कोई हिम्मत ना करे। किसी भी धर्म के शख्स हो, किसी भी धर्म का अपमान अगर करता है तो सरकार को चाहिए कि कड़ी से कड़ी सजा उसे दे। इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों तक जरूर पहुंचाएं। हमें कहने में, समझाने में अगर कोई कमी बेशी रह गई हो, कोई गलती हुई हो, तो आप मेरी इसलाह जरूर करें। बाकी अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और मुसलमानों की हिफाजत के लिए दुआ करें।